नमस्ते दोस्तों, मैं डीआर गायकवाड़ तारांकित में आप सभी का स्वागत है। तारांकित की ओर से आप सभी को रमजान ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में रमजान ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। ईद की शुभकामना देने के लिए हम आए हैं मोहम्मद मुख्तार सर के घर, यहाँ पे मौजूद है प्रभाग क्रमांक 11 के नगर सेवक सैयद अनवर अली सर, उनसे बात करेंगे। नमस्ते सर। आज रमजान के 29 रोजे मुकम्मल होने पर खुशी के तौर पर, ईद का मतलब होता है खुशी, यानी अल्लाह की जो हमने इबादत की उसका हमको इनाम आज ईद के तौर पर मिला है, इसलिए हम वो ईद मनाते हैं। और ये ईद खुशियों का त्यौहार लेकर आती है, मीठी ईद कहलाती है, तमाम लोगों के अंदर मोहब्बत का पैगाम देने का काम करती है। इसलिए आज तमाम मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये ईद मनाई है, और इसी के साथ साथ मुल्क की सलामती और मुल्क में शांति और एकता के लिए यहाँ पर दुआएं की। धन्यवाद सर। यहाँ पे मुख्तार सर यहाँ पे है नजीक, आप मुझसे बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते साहब। ईद किस तरह से मनाया जाना चाहिए, इसके बारे में कुछ संदेश दे सको। जैसा कि आप लोगों को हमारे साहब ने बताया एक बात कि ये खुशी का त्यौहार है। सबसे पहली बात ये कि हम सबका मालिक एक है, हमारा निर्माता एक है। मालिक ने असल में रमज़ान का महत्व इसलिए है कि रमज़ान में मालिक ने हम सबके लिए जीवन गुजारने का तरीका बताने के लिए पवित्र ग्रंथ कुरान को अवतरित किया। वो ग्रंथ के हिसाब से अगर पूरी दुनिया के इंसान चलेंगे तो ये जो दुनिया भी एक स्वर्ग की तरह बन जाएगी। उसमें लिखा है कुरान में, मालिक कहता है कि इंसान ने हमको एक माता पिता से पैदा किया, एक पुरुष एक स्त्री से पैदा किया। तो मालिक हमको कुरान में संदेश दिया है मालिक ने कि तुम सब भाई भाई हो, सबके खून की रिश्ते के, मुझे रक्ताचे भाव हो। तो मालिक संदेश देता है, फिर मालिक कहता है कि तुम आपस में मिलजुल कर रहो। ये ईद के नाते के तौर पे जैसा कि बात आपके सामने बात आई है, इसमें खास तौर पे गरीबों का ख्याल रखो। इसके लिए पूरे रमज़ान महीने के अंदर उपवास रखते हैं, जिसमें खाना भी नहीं पानी भी नहीं होती मालिक के आदेश के तौर पे। और ये आखिरी के अंदर ये रहता है कि दान धर्म, इस महीने के अंदर कोई गरीब गरीब नहीं रहता, मतलब हर एक घर में इतना पहुँच जाता है। मालिक ने आदेश दिया है कि हर घर से जो पैसे वाले हैं तो इतना दान निकालते हैं कि हर गरीब की भी ईद हो जाए, कपड़े उसको, खाना उसको, अनाज। तो ये बहुत हर घर तक ईद की नमाज से पहले पहले, मतलब आज ईद है तो कल रात तक ये सब लोगों के घर में खाना पीना अनाज जो भी गरीब थे जितने थे सब तक पहुंच गया। तो ये बस ये संदेश था रमज़ान का, ये पैगाम है कि सब मोहब्बत से, अमन से, चैन से, सुकून से रहें, और एक रिश्ते को जो कुरान के अंदर मालिक ने हमारा बतलाया है कि हम सबका मालिक भी एक है और हमारे माता पिता भी एक है, तो खुशी से हम जिंदगी गुजारें और हर दिन हमारा ईद की तरह गुजरे। ये शुभकामनाएं हमारी हमारी तरफ से, ये हमारी हार्दिक हमारी तमन्ना है। शुक्रिया। यहाँ पे और कांस्टेबल सिटी संगठन के जिला अध्यक्ष एलबी चौहान साहब यहाँ पे आए हुए हैं, और सभी जो जाति धर्म के लोग ईद बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं, इसलिए उन्होंने भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे आप। नमस्ते। आज ईद का त्यौहार है, कांस्टेबल शिक्षक संगठन का जिला अध्यक्ष होने की वजह से हमारे जो साथी थे उन साथियों को लेकर हम, हमारे बहुत सारे जो दोस्त है जो संगठन में काम करते हैं और हमारे अच्छे करीबी दोस्त है, उनके घर पर जाकर हम आज ईद का त्यौहार मना रहे हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान ने हमारा जो राष्ट्र है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी हर एक को अपने मजहब अपने धर्म का पालन करना चाहिए और उसके साथ दूसरे धर्मों के त्यौहार को भी हमें आदरपूर्वक हमें करना चाहिए। तो आज का जो माहौल है, इस माहौल में आप मीडिया या और कहीं से आप देखते हैं कि थोड़ा सा माहौल खराब करने का प्रयास किसी संगठन से हो रहा है, वो गलत तरीके से कुछ बातें हो रही है, उस बातों को नज़रअंदाज करके हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए। इसलिए हम आज ईद का त्यौहार मनाने के लिए हमारे जो साथी है मुख्तार सर उनके घर आए हैं। यहाँ पे हमारे नगर सेवक साहब, इन्होंने भी बहुत अच्छा संदेश दिया कि ये रोजे रखने के बाद, अभी ये रोजे रखने के बाद आदमी को जो एहसास होता है हमारे में क्या शुद्धिकरण होता है, शरीर का शुद्धिकरण होता है। और यही बात हिंदू धर्म में भी, जैसे कि श्रावण का महीना होता है, श्रावण के महीने में जैसे महीना पर उपवास रखकर हिंदू लोग अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह ये इस्लाम धर्म में भी वो बातें होती है, ये सब बातें पहले से होते आ रही है, अब इसे और अच्छी तरह से होना चाहिए। यही मैं संदेश देना चाहूँगा, हमारे देश में भाईचारा बना रहे, कोई भी ताकत इस भाईचारे को ना तोड़े, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। थैंक यू।